कहीं परसों से नहीं, ये जो आप गलत अफवाहें फैलाते हैं, लेकिन ये जो आप लगातार लोगों को गुमराह करने के लिए कई साल हो गए, ये जो आप जो गुमराह करने की कोशिश करते हो, वो अल्लाह के वास्ते मत करो। हर टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा कौसा के एम एम वली स्टेडियम में आज गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र हवाड़ ने कोरोना अस्पताल का उद्घाटन किया है। वैसे तो इस अस्पताल का लोकार्पण सीएम उद्धव ठाकरे ने कल ही अपने ठाणे के दौरे के वक्त कर दिया था और मुंब्रा में कोरोना मरीज जीरो कैसे हुए हैं इस पर भी मुंब्रा पर्यटन पर सीएम के दौरे के दौरान काफ़ी चर्चा हुई थी और मुंब्रा के लोगों ने किस तरह से कोरोना को काबू किया, कंट्रोल में किया, इसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। आज मुंब्रा के स्टेडियम में कोरोना अस्पताल का उद्घाटन किया गया। ये उद्घाटन गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र हवाड़ ने किया है और उस वक्त कलवा मुंब्रा के अध्यक्ष शमीम खान, नगर सेवक शानू पठान, जफर नुमानी, रेहान पीतलवाला, अश्विन राउत, सुनीता ताई सातपुते, एनसीपी के ऐसे तमाम नगर सेवक और कार्यकर्ता मौजूद थे। जिस हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है ये कोरोना पॉजिटिव और एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव मरीजों के इलाज के लिए है। इसमें 100 बेड आईसीयू और 300 बेड ऑक्सीजन के हैं, यानी कि कुल 400 बेड का ये कोरोना हॉस्पिटल है। मगर वहीं मुंब्रा में कोरोना अब कहीं ना कहीं जीरो संख्या तक पहुंच गया है। आज जिस अस्पताल का उद्घाटन किया गया है इसमें मुंब्रा के अलावा नवी मुंबई, डोंबिवली, यानी कि मुंब्रा के बाहर के भी कोरोना मरीजों का इलाज इसमें होगा। मगर जो अन्य दूसरे बीमारी के मरीज़ हैं उनके लिए भी अस्पताल की ज़रूरत है। आपको बता दें कि एम एम वली स्टेडियम से बिल्कुल लग कर ही एक टीएमसी का हॉस्पिटल बन रहा है और इस पर पत्रकारों ने जब गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र हवाड़ से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अच्छा हॉस्पिटल चाहिए तो समय लगेगा ही, क्योंकि जो एम एम वली में कई सालों से अस्पताल बन रहा है उसका वर्क ऑर्डर करीब 2017 में पास हुआ है, ऐसी जानकारी गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र हवाड़ ने दी है। और आज जिस कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल का उद्घाटन किया गया है ये बिल्कुल फ्री है, इसमें किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। पत्रकारों से बात करते हुए गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र हवाड़ ने क्या कुछ कहा है और इस अस्पताल के काम में अहम किरदार निभाने वाले शमीम खान और शानू पठान ने क्या कुछ कहा है सुनिए। 100 बेड आईसीयू, 100 बेड वेंटिलेटर, मुझे लगता है कि 100 बेड वेंटिलेटर तो पूरा कलवा मुंब्रा के पूरा एक इकट्ठा करके भी नहीं नहीं है। आपको शायद याद होगा जब ये हॉस्पिटल का ओपनिंग हमने किया था, ओपनिंग नहीं जब शुरुआत की थी तब मैंने कहा था कि ये काम पूरे होने तक ये काम फेल होना चाहिए। हमारे 20-25 करोड़ गए तो भी चलेगा। पेशेंट नहीं आने चाहिए। अब देखो दुआ सुन ली ऊपर वाले ने, मुंब्रा में पेशेंट नहीं है, लेकिन मुंब्रा वालों का ये हॉस्पिटल पूरे महाराष्ट्र में अगर काम में आता है तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और वही होगा, मुंब्रा जीरो रहेगा, महाराष्ट्र में पनवेल है, टाइगर है, शील है, दीवा है, डोंबिवली है, जिस जगह पे हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है उस जगह के पेशेंट्स को एक राहत है। हमारे पास 10 एम्बुलेंस है, जहाँ से भी पेशेंट को लाना पड़ेगा हम लाएंगे और उसकी जान बचाएंगे। महाराष्ट्र में लगातार जीरो पेशेंट लाने वाला अगर कोई शहर है तो मुंब्रा है जी। तो जरूर इसके ऊपर अभ्यास होगा, जरूर इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा और इस कामयाबी का राज क्या है वो जानकर पूरे महाराष्ट्र और देश में उसको लागू किया जाए। ये जानकारी ले रहे थे कि ये कैसे कामयाब हुआ, तो अभी ये कामयाबी के पीछे यहाँ की आवाम है, यहाँ के डॉक्टर्स हैं, यहाँ के नर्सेस, खास करके ये हमारा जो कोविड केयर सेंटर बना जी उसने बहुत बड़ा रोल अपना है। हमारे खुद गोसा भी जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं जी कोविड पेशेंट रहे, हमारे कर साहब वो पेशेंट रहे, हमारे कई डॉक्टर्स पेशेंट रहे, लेकिन सबने लड़ाई में हार नहीं मानी। और खास करके हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार हमें मालूमात देते रहे, हमारा सर्वे होता रहा, हमारे म्यूनसिपालिटी के कर्मचारी काम करते रहे और इसका आखिरी नतीजा क्या निकला, हमारे नगर सेवक काम करते रहे। कोविड के बीच में उसके काम करना कोई आसान बात थी नहीं। मैं खुद हाथ लगा के आया,
नतीजा ये अच्छा निकला कि अब मुमरा शांत। सर ये जनता के लिए फ्री है सर? हाँ जनता के लिए फ्री है। फ्री है सर, यहाँ पर कोई आईसीयू का चार्ज वगैरह नहीं है? नहीं, ऐसे कोविड के अलावा भी जो बीमारियां हैं उनके लिए भी तवज्जो देनी चाहिए कॉर्पोरेशन को। तो ऐसा है कि अभी ऐसा है कॉर्पोरेशन का जो हॉस्पिटल यहाँ पर सर कई बरसों से यहाँ पर पेंडिंग है। नहीं, कहीं बरसों से नहीं, ये जो आप गलत अफवाहें फैलाते हैं मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि ये 2017 में इसका काम शुरू हुआ। कहीं सालों से ये जो आप जो गुमराह करने की कोशिश करते हो वो अल्लाह के वास्ते मत करो। कोई हॉस्पिटल बनाना कोई मामूली बात नहीं है, उसमें ऑक्सीजन लाइंस लगते हैं, उसमें ऑक्सीडेशन करना पड़ता है, उसमें तुमको एसी की लाइंस डालनी पड़ती है, बहुत सारे काम रहते हैं। 2000 कभी बना था ये, इसका टेंडर कब निकला था? 2014 में। अच्छा, वर्क ऑर्डर 2017 में इसका वर्क ऑर्डर दिया है। कोई 100 बेड का हॉस्पिटल बनाने को कम से कम 3 साल तो लगेंगे और कंप्लीट है हॉस्पिटल, उसके कई मशीनरीज आने बाकी है। देखो अच्छा चाहिए तो देरी तो थोड़ी होगी, और ये म्युनिसिपैलिटी का काम नहीं है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं बन रहा है। लेकिन ये जो आप लगातार लोगों को गुमराह करने के लिए कई साल हो गए अल्लाह के बाद। शमी भाई, आज इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया, क्या फैसिलिटी है हॉस्पिटल में, कितने बेड हैं, कितने आईसीयू हैं, क्या है? देखिए उद्घाटन तो कल माननीय हमारे सीएम साहब ने कर दिया था थाने कॉर्पोरेशन के अंदर, लेकिन जिन्होंने इसको बनाया है, इतना खूबसूरत संवारा है, वो है हमारे महाड़ा हमारे हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब। डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब का मुमरा कौसा की आवाम, मुमरा कौसा की जनता की जानिब से हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जो हमारे शहर में तकरीबन 100 बेड का हमें जो है आईसीयू वार्ड मिला है, हमें तकरीबन 300 बेड का O2 मिला है। इस तरीके की इतनी बेहतरीन फैसिलिटीज़ अगर मैं कहूँ मुन्ना भाई, तो ये कहीं ना कहीं हमें फोर्टिस की तरह दिखता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही मुबारकबाद काम हुआ है, और इसमें हमारे तमाम साथी, खास करके हमारे भाई शानू प्रधान साहब, हमारे तमाम नगर सेवक नगर सेविकाएं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की संगठन भी इसमें शामिल रही है। मिल करके हम सब लोगों ने इसको अच्छा काम करने की कोशिश किया है। डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब, सैयद अली अशरफ भाई साहब, आनंद प्राजे साहब की क्यादत में ये काम हुआ है, और इंशाल्लाह ताला आगे और कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इसमें जो बच्चों ने कोरोना के वक्त काम किया था, जो बच्चे जो है इसमें दिन रात एक्टिव होकर काम किए थे, उसमें कोशिश की है शानू भाई ने, और हमने जाके कल बात किया था परसों कि इन बच्चों को, कोविड वेरियर बच्चों को भी यहाँ पे कोई अच्छा काम मिले, क्योंकि आज हमारे शहर में कहीं ना कहीं बेरोजगारी है, तो उस तरीके से भी हम लोग ये कोशिश करेंगे कि ये बच्चे जो कोविड वेरियर बच्चे थे, ये जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं उन्हें बच्चे आज BCom करके 12th करके उनको नौकरी नहीं मिल रही है, कोशिश किया जा रहा है। हम लोग कल दोनों गए थे, बात करके आए हैं मनीष जोशी साहब से, कमिश्नर साहब से, कि यहाँ पे उन बच्चों को भी ज्वाइनिंग किया जाए, चाहे वो वार्ड बॉय का काम हो, चाहे वो नर्सेस का काम हो, चाहे वो डॉक्टर का काम हो, चाहे वो सिक्योरिटी का काम हो, ऐसी हम सब की कोशिश है, और इसमें मंत्री जी का भी सपोर्ट है। इंशाल्लाह ताला हम सब मिल करके इसको अच्छा चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी तरीके का, कोई भी इंसान आकर के पॉलिटिकल तरीके का किसी को गिराने और उतारने की कोशिश मत करे। उनसे मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, ये वक्त वो वक्त है कि हम सब मिल करके इस हॉस्पिटल को, जिस तरीके से हम सब मिल करके मुमरा को जीरो किए हैं, इसमें खास करके हमारे तमाम अधिकारी, मैं मुबारकबाद दूंगा मिस्टर अहिर साहब को, मैं मुबारकबाद दूंगा गोसावी साहब को, मैं मुबारकबाद दूंगा जोशी साहब को, मैं मुबारकबाद दूंगा शानू पठान को, मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे पुलिस के इंचार्ज साहब को, खास करके हमारे नेता जितेंद्र अवार साहब को, मेरे तमाम नगर सेवक और राष्ट्रवादी की पूरी संगठन ने मिलकर के जो आज कोविड को जीरो किया है। इस तरीके से इंशाअल्लाह ताला एक दिन ऐसा भी होता जल्द आएगा कि ये सब भी जीरो हो जाए। थैंक यू शानू भाई, इस हॉस्पिटल में एसिम्प्टोमेटिक कोरोना पॉजिटिव मरीज की भर्ती होगी या फिर और भी जो कोरोना मरीज है? देखिए असिम्प्टोमेटिक की भर्ती भी होगी, क्योंकि जो टेम्पररी हॉस्पिटल वहाँ था स्टेडियम के अंदर, वो अब इधर शिफ्टिंग हो जाएगा। और साथ में जो दिक्कत वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की थी, हमको गर्व है कि कलवा मुमरा थाना में इतने वेंटिलेटर नहीं है जितना ये कोविड हॉस्पिटल में है। आज जो वेंटिलेटर के लिए लोग दर बदर भटकते थे, लेकिन मुमरा शहर के अंदर, नासिक, शिरडी और कई जगहों से महाराष्ट्र के अलग अलग पेशेंट इधर आ सकते हैं। हमारे शहर को लगभग, हमारा शहर का रेशो जीरो पर चल रहा है,
इसके लिए सभी शहरवासी और सभी हमारे मिनिस्टर जितेंद्र रावत साहब और हमारी पूरी टीम अध्यक्ष जी से लेकर पूरी टीम इसके सहयोग में और साकार में लगी रही। हम लोग ये दुआ करेंगे पहले हॉस्पिटल के लिए कि ये हॉस्पिटल पेशेंट लेने में फेल हो जाए, ये हमारी दुआ है पहली बार, ताकि मुमरा कौसा के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर कोविड पेशेंट की संख्या जीरो हो जाए। इसीलिए हम ये चाहेंगे कि पेशेंट लेने में जो हॉस्पिटल फेल हो जाए। अच्छा, कितने वेंटिलेटर है और ऑक्सीजन की कितने हैं? 100 वेंटिलेटर है, 200 ओपीडी है, क्या है O2, और बाकी की नॉर्मल बेड मिला के तक तो 467 बेड का हॉस्पिटल है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल मिलके भी खालसेकर से लेके कलवा से लेके जितने भी हॉस्पिटल मिला के इतने वेंटिलेटर इतने ओटू नहीं है। आज मुमरा कौसा को तो राहत की खुशी यही बात की है कि हमारे असिंटमेटिक हॉस्पिटल जो स्टेडियम में था उधर भी मुमरा के 2-3 पेशेंट थे। हमारा ये हॉस्पिटल महाराष्ट्र की सेवा के लिए काम आएगा, ये मुझे यकीन है।